हेलो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट इज योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। एज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज दैट देर आर टू फिजिकल क्वांटिटी, द फर्स्ट वन इज सेट टू बी योर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द नेक्स्ट वन इज सेट टू बी योर डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड एज यू सीन अर्लियर इन द मंथ ऑफ योर अप्रैल एंड मई दैट देर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दे आर योर मास, स्ट्रेंथ, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सेट्रा एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट वॉज योर रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज वॉज योर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इन दिस वे देर आर वन मोर फिजिकल क्वांटिटी अगर इन योर फिजिक्स लेवल दैट इज योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज सेट टू बी व्हाट दैट इज योर प्लेन एंगल। द फर्स्ट वन इज योर प्लेन एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड द सेकंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज योर सॉलिड एंगल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। दिस इज नॉट डब्ल्यू, इट इज योर ओमेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, वी आर गोइंग टू स्टडी वन न्यू टॉपिक, वन न्यू फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेट टू बी योर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड देर आर ओनली टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एग्जिस्ट इन आवर फिजिक्स सिलेबस। क्लियर? एंड बोथ द सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर नथिंग बट दे आर द एंगल्स। हियर इज योर प्लेन एंगल एंड द नेक्स्ट वन इज योर सॉलिड एंगल। ये बात समझ में आ रही? सो यहाँ पर क्या होता है आपका प्लेन एंगल और क्या होता है सॉलिड एंगल। वन बाई वन इसको क्या करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं। आर्टी 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। क्लियर? सो प्लेन एंगल इज वॉट, इट इज वॉट प्लेन एंगल। सपोज मैं पूछूं कि एंगल क्या होता है, तो आपके पास शायद आंसर नहीं होगा, लेकिन आपने आज तक एंगल बहुत ढेर सारे यूज किए। जैसे आपने पढ़ रखा 0 डिग्री, आपने पढ़ रखा 30 डिग्री, आपने पढ़ रखा 45 डिग्री, आपने पढ़ रखा 90 डिग्री, आपने पढ़ रखा 180 डिग्री। आज तक आपने बहुत ढेर सारे एंगल्स पढ़े। ये जितने भी एंगल्स आपने आज तक पढ़े, ऑल द एंगल्स आर कॉल्ड योर प्लेन एंगल। ये बात समझ में आ रहा है? All the angles are called your plane angle. अब अगर normally I have asked you that what is the definition of your plane angle, तो what you said, you can say that angle between two lines. Suppose it is a line and it is also a line. और angle between two lines is called your, that is your plane angle. किन्हीं भी दो lines के बीच के angle को क्या बोलते हैं? अपन plane angle बोलते हैं। आपको भी copy में जब 90 degree draw करना हो, तो आप यही करते हो। एक line ऐसे बनाते हो, दूसरी line ऐसे बनाते हो, बोलते हो सर ये 90 degree हो। ये एंगल की दो लाइंस के बीच का है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड योर प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इज व्हाट, नॉर्मल एंगल जो आपने आज तक पढ़ा। ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर क्या है, आपने जितने भी एंगल्स आपने आज तक पढ़े हैं, वो सारे एंगल्स किस में पढ़े हैं? आपने डिग्री में पढ़े हैं। आपने 0 डिग्री पढ़ा, 30 डिग्री पढ़ा, 45 डिग्री पढ़ा, 90 डिग्री पढ़ा, 180 डिग्री पढ़ा। ऑल द एंगल्स स्टडी बाय यू टिल टुडे इज इन द फॉर्म ऑफ योर डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? So if we go for the basic definition of the plane angle, the plane angle is what? It is defined as the angle between two lines. Ye baat samajh mein aa rahi? And what is the unit of plane angle? The unit of plane angle is nothing but it is your radian. Jisko shortcut mein kya likhte hain apan? RAD. Aur normally is unit kya hoti hai aapki radian. अब कहोगे सर सारे प्लेन एंगल तो अपने डिग्री में पढ़ रखे थे, रेडियन कौन सा बहुत बड़ा इशू आ गया है यहाँ पर? तो बच्चा डिग्री इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ एंगल एंड रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, बट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज योर रेडियन। बस समझ में आ रही है? सो फर्स्टली यू हैव टू लर्न अबाउट दैट हाउ टू कन्वर्ट एंगल इनटू डिग्री टू रेडियन एंड हाउ टू कन्वर्ट एंगल डिग्री टू रेडियन। बिकॉज इफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियन इन द फिजिक्स, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू हैव टू राइट ऑल द एंगल इन द फॉर्म ऑफ योर रेडियन। तो इट इज योर ड्यूटी दैट टू लर्न दैट हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन एंड हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक ओवर हियर। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू कंप्लीट द प्लेन एंगल बाय टेकिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लेन एंगल। सो ऑन कमिंग टू द फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री से किस में जाना है अपन को? ये रेडियन में जाना। अब डिग्री से रेडियन में कैसे जाना? सपोज मेरे पास एंगल दिया हुआ है थीटा और ये किस में था आपका? ये डिग्री में था, थीटा डिग्री दिया हुआ, मुझको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें हमेशा मल्टीप्लाई कर देते हैं, टर्म होता है पाई और 180 से। ये बात समझ में आ रही है? जब भी किसी भी डिग्री वाले एंगल में आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो सपोज आई हैव 30 डिग्री, आई हैव 45 डिग्री, आई हैव 90 डिग्री, आई हैव 180 डिग्री, ये ढेर सारे एंगल्स हैं, इनको मैं किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ? आपका ये रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। कुछ नहीं करना, इस 30 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई कर देना आपको? पाई अपॉन 180 से, तो 30 कैंसिल, ये हो जाएगा, कितना आ गया आपका? ये पाई अपॉन 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली 45 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? पाई अपॉन 180 से। ये
ये फोर टाइम्स है तो ये कितना आ जाएगा आपका पाई अपॉन फोर आ जाएगा। सिंगली 90 डिग्री है तो 90 डिग्री को भी आपको किसमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगे 92 सा पाई अपॉन 80 होता है, ये कितना आ जाएगा आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। सिंगली इफ यू वांट टू कन्वर्ट 180 डिग्री इनटू रेडियन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट फ्रॉम योर पाई अपॉन 180, 180 विल कैंसिल फ्रॉम 180 यू विल गेट द पाई। नाउ ऑल द एंगल्स इन द फॉर्मेट द एंगल्स कंटेनिंग पाई आर सेड टू बी इन रेडियन। क्लियर? देयर वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इन द रेडियन इज हाउ मच, इट इज योर पाई बाई 6 रेडियन। द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन द रेडियन इज हाउ मच, इट इज योर पाई बाई 4 रेडियन। द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री इन द रेडियन इज योर पाई बाई 2 रेडियन। द वैल्यू ऑफ 180 डिग्री इन द रेडियन इज अगेन योर पाई बाई 2 रेडियन। So this is a way through which you can convert degree into radian. But sometimes you need to convert angle into radian into degree. Now we are going to convert angle into radian. To which we convert करने जा रहे हैं अपन ये degree में convert करने जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो radian को degree में कैसे convert करेंगे? And the one thing, when the angles are given in the radian, the angle is containing pi. अगर एंगल में पाई आ रहा हो, पाई की वैल्यू कितनी होती है आपकी 3.16, इस वैल्यू को जल्दी अपन को यहाँ पुट नहीं करना होता है। इस वैल्यू को जब भी पुट करते हैं अपन, जब अपन न्यूमेरिकल लगाने गए, युवा साउंड जैसे न्यूमेरिकल लगाने गए कहीं पर पाई बाई 6 रखना, तब आप पाई की वैल्यू फ्रिक्वेंटली 3.16 रख दोगे। लेकिन जनरली एंगल कन्वर्जन में पाई को पाई ही रहने देना, युवा साउंड में। तो नॉर्मली ये देखा गया कि जब भी एंगल से पाई आता है तो एंगल किस में कहलाते हैं आपके, रेडियन में कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है। तो सपोज आई वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री और मेरे पास रेडियन में कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, ऐसे एंगल जिनमें पाई आ रहा है। जैसे एक एंगल लिखा है मेरे पास पाई बाई 3 लिखा है और दूसरा एंगल मेरे पास लिखा है 2 पाई बाई 3 लिखा है और तीसरा एंगल मेरे पास लिखा है 2 पाई लिखा है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब जब रेडियन से डिग्री में जाना होता है तो डिग्री से रेडियन के लिए आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हो और रेडियन से डिग्री जाने के इसको रिवर्स कर देते हैं, 180 अपॉन पाई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब अगर इस रेडियन वाले में अपन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3.618 होता है, ये कितना आ गया आपको 60 डिग्री आ गया। अगर इसको कन्वर्ट करना है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पाई से पाई क्या हो गया आपका यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो गया ये और 3.618 कितना हो गया आपको, ये 180 और 62 सा हो गया 120। यू विल गेट एंगल इनटू हाउ मच इट इज इन योर डिग्री। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट 2 पाई इनटू रेडियन तो यू विल कन्वर्ट 180 अपॉन हाउ मच इट इज योर पाई से पाई कैंसिल, 180 इनटू 2 कितना हो जाएगा आपको, ये 360 डिग्री हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। So what is the plane angle? Plane angle is a supplementary quantity which is said to be the angle between two lines and the unit of plane angle is your radian. And this is the way through which you can convert plane angle into radian as well as plane angle into degree. ये बात समझ में आ रही है। We use only one multiplier, that is your pi upon 180. In the case of degree to radian, you have to multiply the angle given in the degree by pi upon 180. In the case of radian to degree, you have to multiply the angle given in the radian by 180 upon pi. ये बात समझ में आ रही है। It's a very simple term over here. कोई problem इसमें? None. अब यहाँ पर कुछ और भी basic terms होते हैं जो आपने शायद लास्ट टेंथ में क्या करके रखे हैं, इसको पढ़ के रखे हैं ये। सो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं तो सारे कन्वर्जन हमारे यहाँ पर एक साथ क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फर्दर कोई कन्वर्जन हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो यहाँ पर ये कहा जाता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू इसमें कितने रेडियन होंगे, तो आपको 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आ जाएगा ये पाई अपॉन 180 रेडियन। बस समझ में आ रही है, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं आपके, पाई अपॉन 180 रेडियन होते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? फिर यहाँ पर एक और कन्वर्जन आता है आपको, ये ध्यान से समझना है, देखना ध्यान से। 1 डिग्री इज इक्वल टू ये कहा जाता है 60 मिनट। ये बात समझ में आ रहा है, 1 डिग्री कंटेंस हाउ मच इट इज योर 60 मिनट। ये बात समझ में आ रहा है। एंड द वन थिंग, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है आपका 60 सेकेंड। ये सिंगल लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द मिनट एंड दिस डबल लाइन इज सेट टू बी योर, दैट इज योर सेकंड। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? सो व्हाट इज रिटन ओवर हियर, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, इज योर पाई अपॉन 180 रेडियन। And 1 degree is equal to how much minute? It is your 60 minute. And 1 degree is equal to how much second? It is your 60 second.
ये बात समझ में आ रही है। इन सब की बात करेंगे अगर तुरंत ही अपने को पैरेलैक्स मेथड पढ़ना है तो वहाँ पर इन सारे कन्वर्जन की क्या करते हैं हम ये बात करते हैं, ये बात समझ में आ रहा है। इसके अलावा सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वान्टिटी एंड द सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वान्टिटी इज योर दैट इज योर सॉलिड एंगल, ये बात समझ में आ रहा है। सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वान्टिटी क्या है, सॉलिड एंगल है। इट इज लिटिल बिट टफर देन द प्लेन एंगल बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सॉलिड एंगल। इट इज सेड टू बी द थ्री डायमेंशनल एंगल, व्हाट इज वन डायमेंशनल, व्हाट इज टू डायमेंशनल, व्हाट इज थ्री डायमेंशनल, आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स बट इन द नेक्स्ट चैप्टर बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक्स, क्लियर। सो ऑन कमिंग टू द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इज व्हाट, क्लियर। सपोज आई हैव अ स्फीयर ओवर हियर, स्फीयर लाइक अ फुटबॉल, ये बात समझ में आ रहा है। मेरे पास ये स्फीयर है, स्फीयर का मतलब क्या है, फुटबॉल है। एंड यू आर ऑन द सेंटर ऑफ फुटबॉल, आप फुटबॉल के काम करो सेंटर पर, ये बात समझ में आ रहा है। फुटबॉल का जो टोटल एरिया, ध्यान समझना, फुटबॉल का जो टोटल एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर आपका, ये ए है। और आपको पता है कि फुटबॉल में एक ब्लैक स्पॉट होता है, एक व्हाइट स्पॉट होता है, ब्लैक व्हाइट, इस तरह से ढेर सारे स्पॉट होते हैं। तो फुटबॉल में यहाँ पर ढेर सारे स्पॉट है, ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लैक है, व्हाइट है, इस तरीके से ये ढेर सारे यहाँ पर क्या है आपकी ये स्पॉट्स बने हुए हैं जिसपे आपके फुटबॉल, ये बात समझ में आ रही है। आपने किया क्या, आप एक फुटबॉल के कहाँ पर बैठे हुए, सेंटर पर बैठे, टॉर्च लेकर बैठे हो, ये बात समझ में आ रहा है। फुटबॉल के सेंटर पर आप टॉर्च लेकर बैठे हुए हो और मैंने कहा कि फुटबॉल के सेंटर पर बैठ के टॉर्च से फुटबॉल के इतने एरिया को कवर करो, तो आप यहाँ से टॉर्च ऑन करोगे और टॉर्च से लाइट जाएगी और इस तरीके से जाएगी, ये बात समझ में आ रही है। ये जो एरिया है ये पूरे एरिया के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा एरिया, ये पूरा एरिया नहीं, ये बात समझ में आ रहा। और फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को बहुत छोटा बनाने के लिए हमेशा उस क्वांटिटी में स्मॉल डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब अगर इसका पूरा एरिया कैपिटल ए है तो जिस छोटे एरिया की बात कर रहे हैं ये एरिया कितना हो जाएगा आपका, ये डी ए हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो फिजिक्स में किसी को छोटू बनाना है तो उसके पहले क्या करना है, अपने को डी लगा देना, तो डी लगाने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, बहुत ही स्मॉलर हो जाएगी, क्लियर। तो व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट फुटबॉल, द कंप्लीट एरिया ऑफ द फुटबॉल इज योर कैपिटल ए, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ स्मॉल एरिया ऑन द स्फीयर, सपोज द स्मॉल एरिया ऑफ द फुटबॉल इज योर हाउ मच, दैट इज योर डी। एंड व्हाट आई सेड टू यू, यू आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ द फुटबॉल एंड यू हैव द टॉर्च एंड आई हैव गिवन यू द वन टारगेट एंड यू हैव टू फोकस light only on this area of the football. When you on the torch, the light will go from center to this area by this. ये बात समझ में आ रहा है। और आपको पता है कि टॉर्च से जब भी लाइट निकलती है तो आगे जाने पर क्या होती है आपकी, वो डाइवर्ज होती जाती है, ये बात समझ में आ रहा है। तो आपने यहाँ सेंटर पर बैठे थे, अब जब लाइट गई तो लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो लाइट सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस तक जा रही, विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ व्हाट, दैट इज योर फुटबॉल, ये बात समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें ये, सो इतना क्या किया आपने ये एरिया के लिए कवर कर ली। अब इस एरिया को कवर करने के लिए चारों तरफ से क्या चाहिए होगी, लाइट चाहिए होगी। तो इस एरिया ने, इस छोटे से एरिया ने अपने कवरेंस के लिए इस फुटबॉल के सेंटर पर जितना भी एंगल बनाया है वो एंगल क्या कहलाता है आपको, ये सॉलिड एंगल कहलाता है, ये बात समझ में आ रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें, द एंगल मेड बाई द एरिया ऑफ द स्फीयर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज सेड टू बी योर सॉलिड एंगल, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। और मैथमेटिकली सॉलिड एंगल चूंकि यहाँ पर देखा ध्यान से, एरिया कैसा था, बहुत छोटा था, जब एरिया बहुत छोटा था तो एरिया इसका सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, बहुत छोटा एंगल बनाएगा, और बहुत छोटा का मतलब सॉलिड एंगल को अगर ओमेगा से डिनोट करते हैं तो बहुत छोटा का मतलब इसके पहले क्या लगाना है आपको, डी लगाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डी ओमेगा, डी ओमेगा इज व्हाट, इट इज द एंगल मेड बाई द एरिया डी ए एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ओ, ये बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ से डी ओमेगा कितना हो जाएगा आपको, तो डी ओमेगा इज मैथमेटिकली सेट टू बी द रेशियो ऑफ एरिया, जितने एरिया के थ्रू बना है, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर की रेडियस क्या होता है यहाँ पर आपका, ये होल स्क्वायर, ये बात समझ में आ रहा है। तो इट इज सेट टू बी व्हाट, दैट इज योर सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज व्हाट, तो थेरेटिकली इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाई एरिया ऑफ द स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एरिया ऑन द स्फीयर टू द स्क्वायर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ सच फार्मूला, दीज आर सेट टू द टू डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द सॉलिड एंगल, द इन विच द थेरेटिकल डेफिनेशन इज एंड द नेक्स्ट वन द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द फार्मूला इज सेट टू बी द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड एंगल,
ये बात समझ में आ रही है. सो द मैथमेटिकली द सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज द डी अपॉन हाउ मच इट इज योर आर स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है. दिस कैन नॉट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. इन योर एग्जामिनेशन इट इज ओनली आस्क्ड दैट इज व्हाट इज द सॉलिड एंगल ऑफ चारों तरफ से मिलाओगे तो जो एंगल बनेगा दो लाइंस के बीच में नहीं बनेगा. ये जो एंगल है पूरा एक कोण आइसक्रीम वाला कोण बन जाएगा और कोण का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पर सॉलिड एंगल कहलाएगा. ये बात समझ में आ रही है. तो खैर छोड़ो, हमें सॉलिड एंगल किसका कैलकुलेट करना है, कंप्लीट स्फीयर का कैलकुलेट करना है. जब भाई पूरा स्फीयर लेंगे तो पूरे स्फीयर लेते हैं कितना हो गया, ए हो गया. अब एरिया छोटा नहीं रहा तो सॉलिड एंगल भी छोटा नहीं रहेगा. इन दोनों के पहले से अपने को डी डी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर. ये बात समझ में आ रही है. अभी जो सॉलिड स्फीयर था, ये जो स्फीयर था इसका टोटल एरिया कितना है, ए दे रखा है, इसकी रेडियस कितनी आर दे रखी है. तो किसी भी स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है आपका, ये दैट इज योर 4 पाई आर स्क्वायर का सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आर स्क्वायर. तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना निकल के आ रहा है आपका, 4 पाई निकल के आ रहा है, दैट इज योर सॉलिड एंगल. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द सॉलिड एंगल इज द यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल. द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज नथिंग बट इट इज योर स्टे रेडियन. ये बात समझ में आ रही है. द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज योर रेडियन एंड द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज योर स्टे रेडियन. कोई प्रॉब्लम इसमें है? सो दिस इज योर सॉलिड एंगल. ठीक है, दिस इज योर सॉलिड एंगल. वी हैव स्टडी अबाउट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज योर सम बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, जिनके बारे में आपने आज तक नहीं सुना. ये बात समझ में आया. आपसे कोई क्या लेंथ को किस में मेजर कर सकते हो, तो आपके पास सर मीटर में मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, माइक्रोमीटर में, सब कुछ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ये बात समझ में आ रहा है. लेकिन लेंथ को मेजर करने के हमारे पास कुछ बिगर यूनिट्स हो, क्लियर. उन सब में से जो बिगर यूनिट है, सबसे पहले कौन सी यूनिट आती है आपकी यहाँ पर, ये लाइट ईयर. लाइट ईयर इज द मेजरमेंट ऑफ लेंथ. द सेकेंड यूनिट इज सेड टू बी योर एस्ट्रोनॉट यूनिट. ये बात समझ में आ रही है. द सेकेंड वन इज योर एस्ट्रोनॉट यूनिट, दैट ऑल्सो इट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है. बेसिकली एस्ट्रोनॉट यूनिट नहीं होती है, ये क्या होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है. वही थोड़ा सा ज्यादा मुझे कुछ गलत लिखा हुआ है. एंड द थर्ड वन इज योर पार्सेक. पार्सेक इज ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ. ये बात समझ में आ रहा है. इनकी वैल्यूज पूछी जाती है एग्जाम में फ्रिक्वेंटली. सबसे पहले देखते हैं वन बाई वन, वॉट इज लाइट ईयर. लाइट ईयर इज सेड टू बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट. डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन वन ईयर. बस समझ में आ रहा है. लाइट कहाँ से आती है, सन से आती है. अब सन से जो लाइट आ रही है उस लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो आपको उसकी स्पीड पता है. सी इज इक्वल टू कितना, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये बात समझ में आ रहा है. तो ये कहा जाता है कि सन से आने वाली लाइट वन ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, लाइट ईयर बोलते हैं. ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें ही. तो हमें पता है कि सन से जो लाइट आई कितनी स्पीड से चल रही है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड. कितनी देर तक चलाना है हमारे पास टाइम भी है. टाइम कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, ये वन ईयर का टाइम है. वन ईयर के टाइम को अपन सेकंड में क्या कन्वर्ट करते हैं, सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. तो वन ईयर में कितने डेज होते हैं आपके, ये 365 डेज होते हैं. एक दिन में कितने घंटे होते हैं, टोटल 24 आवर होते हैं. एक घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, ये 60 मिनट होते हैं. और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपके, ये 60 सेकंड होते हैं. तो इसका मतलब जो टाइम है, ये टोटल टाइम किसमें निकल के आ गया आपके, ये सेकंड में आ गया. ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन.
So यहाँ पर क्या है, c is equal to how much? It is your 3 × 10⁸ meter per second. इस स्पीड से लाइट को कितने दिन तक चल रहा है, एक साल तक चल रहा है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितने भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सब क्या कहलाएगी, इसलिए लाइट ईयर कहलाएगी. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यू नो वेरी वेल दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ये स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? Speed into time. Speed is given, time is given. When you multiply both the quantities, you will get the distance traveled by light in 1 year. जिसको normally क्या बोलते हैं अपन, light year बोलते हैं. And it is denoted by small l y. And one light year is equal to how much? That is your 9.46 × 10⁻¹⁵ meter. The important thing over here is the light year is the unit of length. It is the distance traveled by light in 1 year. And the value of one light year is your 9.46 × 10⁻¹⁵ meter. It will come when you multiply all these quantities. जब आप c का multiply time के साथ करोगे तो यही पूरी quantity निकल के आप यहाँ पर ये आ जाएगी. ये बात समझ में आ रही है? If we go for another one, the second one is said to be your astronomical unit. ये बात समझ में आ रही है? Astronomical unit is what? That is your a. तो it is the simple unit. Suppose here is our sun. यहाँ पर हमारा क्या है आपकी, ये sun है. And here is our क्या है आपकी, ये that is your earth. ये बात समझ में आ रही है? तो astronomical unit is what? Astronomical unit is said to be the average distance between sun and earth. ये बात समझ में आ रही है? सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्ट्रोनॉट यूनिट. और लगभग सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसको नॉर्मली क्या लिखा जाता है आपका, 1.5 × 10⁻¹⁵ मीटर. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज योर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड क्या होता है आपका, ये अर्थ होता है. क्लियर? और कमिंग टू द पार्से, तो पार्से इज ऑल्सो द क्वांटिटी विच मेजर्स द लेंथ. और यहाँ पर देखोगे लाइट ईयर में 10⁻¹⁵ आ रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 10⁻¹⁶ आ रहा है, और पार्सेक में 10⁻¹⁶ आ रहा है. इसका मतलब लेंथ को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट कौन होती है? पार्सेक होती है. 10⁻¹⁶ इज बिगर देन 11 एंड 15. ये बात समझ में आ रही है? अब इट इज योर होमवर्क दैट व्हाट इज पार्सेक. ये बात समझ में आ रही है? इसकी डेफिनेशन आप क्या करोगे मुझे बताओगे, और जिसको भी डेफिनेशन समझ में आए वो ग्रुप में आराम से चैट करके बताएगा, सर ये पार्सेक की डेफिनेशन होती है, मुझे डेफिनेशन समझ में आ गई. ये बात समझ में आ रही है? और वन पार्सेक इज इक्वल टू हाउ मच? 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर. तो डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी वैल्यूज, कि वन लाइट ईयर में कितना, वन ए यू में कितना, और वन पी यू में कितना. यहाँ मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ. मैं आपको ये होमवर्क देना चाहता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि वन लाइट ईयर में कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे तो क्या आप बता सकते हैं? अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं वन पार्सेक में कितना लाइट ईयर होगा तो शायद इसको भी आप बता सकते हो. और अगर मैं आपसे पूछूं वन पार्सेक में कितने आपके ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होंगे तो शायद इसको भी क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो. ये तीन होमवर्क और साथ ही साथ पार्सेक की डेफिनेशन इज अगेन योर होमवर्क, इसको आप सॉल्व करने क्या होता होगा मुझे बताओ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज योर फर्मी. तो फर्मी ऑल्सो द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. क्लियर? बट अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ को मेजर करने की बिगेस्ट यूनिट क्या होती है, योर आंसर मस्ट बी लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एज वेल एज पार्सेक. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि लेंथ को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, योर आंसर शुड बी फर्मी. ये बात समझ में आ रही है? फर्मी इज व्हाट? वन फर्मी इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? 10⁻¹⁵ मीटर. फर्मी का यूज क्लास 11 में तो ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन क्लास 12th में जैसे ही आप आएंगे मॉडर्न फिजिक्स में, वहां पर फर्मी या उसको फर्मेंटोमीटर भी बोलते हैं, फर्मेंटोमीटर भी बोलते हैं, वहां पर ही आना क्या हो जाएगा आपका, ये शुरू हो जाएगा. बेसिकली फर्मी का यूज अपन कहाँ पर करते हैं? तो फर्मी का यूज अपन करते हैं जब भी अपन किसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होते हैं. अब आपको पता है कि कोई भी एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है. एंड एटम इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, बस हम जिसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. तो अगर हमें बात करनी है उस एटम की साइज कितनी होगी जिसको हम देख भी नहीं सकते, जितना सबसे छोटा होता है, तो उसकी जो साइज का मतलब होता है उसका डायमीटर. ये बात समझ में आ रहा है? तो उसका रेडियस या डायमीटर किस ऑर्डर का आता है? 10⁻¹⁵ मीटर का ऑर्डर का आता है, जिसको नॉर्मली किस में लिख दिया जाता है आपका, ये फर्मी में लिख दिया जाता है. तो जब भी अपन किसी भी एटम के साइज में जाएंगे उसको न्यूक्लियर साइज भी बोलते हैं, एटमिक साइज भी बोलते हैं. We have to use the smaller unit of length, and the smaller unit of length is nothing but it is your Fermi.
ये बात समझ में आ रहा है। एंड सिमिलरली मास को भी क्या करते हैं, अपन मेजर करते हैं, और मास को जब मेजर कर सकते हैं तो इट इज लर्न बाई यू इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज योर बेसिक कंसेप्ट ऑफ द जो भी मोल कंसेप्ट उसमें पढ़ाया आपने, एएम इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर कोई पूछे मास को मेजर करने की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, योर आंसर शुड बी योर एएमयू, और इसको क्या बोलते हो आप, यू बोलते। इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मास। आई एम नॉट गोइंग टू द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस वन, इफ वी गो फॉर द एक्चुअल डेफिनेशन, द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ दिस वन इज योर, इट इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ये बात समझ में आ रहा है, आपके पास सपोज इतना बड़ा कार्बन है, ये कार्बन में एक छोटा सा एटम, इस एटम को आप बाहर निकालो, इसको बैलेंस में रख के तराजू में रख के तौलो, इसका जो भी मास आ जाए उसको 12 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर ये है। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें है। सो 1 amu इज डिफाइंड एज द 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें डन। तो इसका जो होता है ये वैल्यू कितनी आती है आपकी, 1.66 सेंटीमीटर पर -24 ग्राम आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फिनिश करें।